हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक रहस्यमय वीडियो, जिसमें हम ये जानेंगे कि क्या बंदर कभी भी नहीं मरते हैं। अगर मरते हैं तो उनके शव हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर कहीं अदर चैनल पर यह वीडियो नहीं मिलने वाली है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुत्ते, बिल्ली, चूहे, गाय, भैंस या अन्य सभी जानवर जो कि यहाँ अपनी प्रकृति, अपने नेचर में रहते हैं, उनकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से हो जाने के बाद उनके शव हमको कहीं ना कहीं देखने को तो मिल जाते हैं, मगर कभी हमने किसी बंदर के शव को कहीं भी देखने को नहीं पाए होंगे और ना ही इसको हमने आज तक कहीं भी किसी डिस्कवरी चैनल पर भी नहीं देखा होगा। यह सच है कि स्वाभाविक रूप से मरने वाले बंदरों की मौत कोई नहीं देख सकता है। उन्हें मृत्यु से कम एक सप्ताह पहले ही अपनी मृत्यु की तिथि का आभास हो जाता है। तब से बंदर एक सुरक्षित स्थान चुनता है और फिर बिना किसी भोजन या पानी के चुपचाप वहां समाधि के रूप में बैठ जाता है, मानो कि वह एक तपस्या कर रहा हो। जब आप इस जानकारी को गहनता से जानोगे तो यह आपको चमत्कार जैसी लगेगी। या एक सप्ताह के लिए एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं, और यह बिल्कुल सच है कि जब एक बंदर मरने वाला होता है तो वह चुपचाप और अन्य जानवरों को बिना किसी परेशानी के घने जंगलों में दीमक यानी नासूर के पास लेट जाता है और दीमक को उस पर भोजन करने देता है। दीमक के छोटे छोटे कीड़े उसके शरीर को धीरे धीरे खाने लगते हैं और उसको खोखला करने लगते हैं। उसके बाद नासूर एक निश्चित समय के भीतर ही उस पर बैठ जाता है, यहाँ तक कि अगर वे बंदर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और सड़क पर मर जाते हैं तो उनके रिश्तेदार उन्हें घसीटते हुए दीमक या नासूर के पास तब तक रखते हैं जब तक कि उनके शरीर का हर एक पार्ट, बॉडी पार्ट गायब ना हो जाए। दोस्तों, इसके पीछे जुड़े रहस्य का एक सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि रामायण में माता अंजनेय ने भगवान प्रभु राम से यह वरदान मांगा था कि बंदरों की जब भी मृत्यु हो तो उनकी मृत्यु से पहले ही उनको आभास हो जाए और उन्हें बिना किसी को परेशान किए दीमकों को खिला दे और उनके शरीर के अंग को कोई भी ना देख पाए। तो दोस्तों, यदि आज तक आप लोगों ने इस बात पे गौर नहीं किया है तो इस बात पे गौर कीजिएगा और ढूंढिएगा कि कभी आपको भी प्राकृतिक रूप से मरने वाले बंदरों के शव कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और अपना सपोर्ट बना के रखें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो लाते रहें।